हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षित। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड स्टेइंग स्ट्रांग एंड अपने अपने घरों में ही हैं। एज यू नो, वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्व फॉर ईपीएफओ एग्जाम, और इसी के लिए आई ब्रिंग यू दीज वर्ड्स, जिनमें ना कि सिर्फ और सिर्फ हम इनके वर्ड्स मीनिंग कर रहे हैं, बल्कि सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के भी वर्ड्स मीनिंग एंड उनका भी यूजेज देख रहे हैं। सो तैयार हो जाइए, बी रेडी फॉर दिस सेशन, लेट अस स्टार्ट। सो आवर वेरी फर्स्ट वर्ड इज इवोक। इवोक का मतलब होता है किसी भी चीज को, स्पेसिफिकली मेमोरी को वापस लेके आना, कोई भी फीलिंग को वापस लेके आना, विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, किसी चीज को याद दिलाना किसी को, दैट इज कॉल्ड इवोक। इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं। ब्रिंग और रिकॉल अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड। किसी भी चीज को, लाइक मैं अपनी फ्रेंड को कुछ याद दिलाना चाहती हूँ, so that will be called I am evoking her memory. So सबसे अच्छा example मैं देना चाहूंगी Men in Black का, जहाँ पे ये these are the special agents which use ये एक device, जिससे क्या होता है उनकी memory खत्म हो जाती थी for some time, जो जो इन्हें हटानी होती थी वो हट जाता था। लेकिन in the second part क्या हुआ, they wanted to bring back their agent back and उसकी memory भी इन्हें evoke करवाई थी। सो दे टेक हिम टू वेरियस ऑफ प्लेसेस, वो याद दिला रहा होता है इसका जो पार्टनर है कि क्या कैसा कैसा था वो, कैसे कैसे काम करता था, कितने उसने लाइक लोगों की जान बचाई। सो फॉर दिस पर्पज ही टेक्स हिम टू दिस पार्ट ऑल्सो, एंड वो इसको ये घड़ी याद दिलाता है, उससे उसकी हेल्प होती है टू ब्रिंग बैक हिज मेमरी और टू इवोक हिज मेमरी। तो इसके सिनोनिम्स एंड टोनिम्स देख लेते हैं। अब सिनोनिम्स में आ जाएगा प्रोवोक, एलिसिट। दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज को उकसाना, लाइक फॉर किसी भी चीज को थोड़ा सा पुश करके वो चीज को वापस लेके आना। द थिंग इज कि वो आराम से प्यार से वापस नहीं आ रही है, सो फिर उसको बहुत सारी चीजें बार 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 याद दिलाना, कुछ चीजें याद दिलाना। और एक चीज होती है नॉस्टाल्जिया। नॉस्टाल्जिया का मतलब एक उल्टी भी होता है, एक होता है किसी भी चीज को याद करके, मतलब कि कोई भी चीज मैं खा रही हूँ, इफ आई एम ईटिंग अ कैंडी एंड आई एम सेइंग कि अरे यार बचपन की यादें ताजा हो गई, सो दैट्स कॉल्ड नॉस्टाल्जिया, कि मैं पुरानी बातें याद करने शुरू हो गई, मुझे वो फीलिंग आ रही है, वो वक्त याद आ रहा है। ओके, सो इसका एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। एंटोनिम्स में आ जाएगा सरप्रेस और हॉट। सरप्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। यूजिंग सेंटेंस देख लेते हैं। हिज अपीयरेंस इज बॉन्ड टू इवोक सिंपथी। लाइक कोई आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो हम उसके पास जा रहे हैं और फिर उसकी हालत देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को उसको देखते एकदम से सिंपथी आ रही है कि हाय क्या हो गया इसके साथ। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज टैपिड। टैपिड का मतलब होता है मॉडरेशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टैपिड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल रेंज। लाइक अगर हम मैं एक रेंज का चार्ट बनाऊं, है ना, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, इधर कम है इधर ज्यादा है। ओके, सो ये वाली चीज हो जाएगी लो, ये वाली हाई हो जाएगी, एंड ये वाला जो पॉइंट है विच इज मीडियम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टैपिड। अब इस चीज को हम मद्देनजर रखेंगे एंड ये वाला वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टैपिड, वाटर के संदर्भ में बोल रही हूँ, यहाँ पे इट इज टू कोल्ड, यहाँ पे इट इज टू हॉट, यहाँ पे इट इज टैपिड, इट इज नॉर्मल, इट इज ओके, इट्स जस्ट राइट, इट्स फाइन। इसकी हम रीड कर लेते हैं मीनिंग। मीनिंग में आएगा डिस्प्लेइंग ग्लिटर इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। अगर हम इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म की बात करें, अगर कोई इंसान लिटिल इंटरेस्ट दिखा रहा है, कम इंटरेस्ट दिखा रहा है और एंथुजियाज्म दिखा रहा है, देन वी कैन से इट इज टैपिड, ही इज बिहेविंग टैपिडली, बिकॉज वो वाली चीज भी ही इज कंसिडरिंग, वो वाली चीज वो कर तो रहा है बट हाफ हार्टेडली, पूरे मन से नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल लाइक टू कोल्ड टू हॉट, यू कैन सी इन दिस पिक, टू कोल्ड टू हॉट, जस्ट राइट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टैपेड। अब इन तीन में भी, एक में कॉफी है, एक में ठंडा पानी है और एक में ये है रूम टेम्परेचर वाटर, दिस इज टैपेड। इसको हम फीलिंग के संदर्भ में भी बोल सकते हैं, हम रिस्पॉन्स के संदर्भ में भी बोल सकते हैं, किसी का रिस्पॉन्स ठंडा था, अनएंथुजियाज्मिक बोल सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स तो दिया, दिस इज कॉल्ड टैपिड। ओके, तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा अनएंथुजियास्टिक, हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेड का मतलब होता है पूरे मन से ना करना।
एंटोनिम्स में आ जाएगा एंथुजियास्टिक अर्डेंट. अर्डेंट मतलब कि किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा लाइक होता है ना कि ये तो दिली तमन्ना थी जो कि पूरी होगी. ओके इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते. द प्रेजिडेंट हैज सीन हिज पॉपुलैरिटी ग्रो टेपिड एवर सिंस ही मिस हैंडल्ड द बजट क्राइसिस. अगर कोई प्रेजिडेंट है उसने कोई भी क्राइसिस, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प ने ये वाला क्राइसिस अच्छे से हैंडल नहीं करा, तो इसकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है. अभी भी द एस्टाउंडिंग थिंग इज अभी भी उसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन इट इज गोइंग डाउन रैपिडली. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिकनसाइल. रिकनसाइल का मतलब होता है टू रिस्ट्रो रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन. ओके जैसे अगर दो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई है एंड दे आर ट्राइंग टू मेंड देयर बॉन्ड इज कॉल्ड रिकनसिलिएशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट वॉर. इफ दे जस्ट फॉरगेट अबाउट देयर डिफरेंसेज एंड दे ट्राई टू मेंड देयर बॉन्ड्स एंड दे ट्राई टू बी बेटर, तो वी कैन से दीज बोथ नेशंस हैव रिकनसाइल्ड देयर रिलेशनशिप. ओके रिकनसिलिएशन का मतलब होता है टू ब्रिंग टू पीपल एट हारमनी. हारमनी का मतलब होता है किसी भी एक चीज पे एग्री कर जाना, हार्मोनाइज हार्मोनाइज करना. ओके सो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स में आ जाएगा हार्मोनाइज, कंसीलिएट. कंसीलिएट का मतलब होता है किसी भी एक इंसान को गुस्सा होने से रोक जाना. कोई इंसान गुस्सा हो रहा है तो उसको मनाना. ओके एंटोनिम्स में आ जाएगा एलियनेट एंड डिसएग्री. एलियनेट का मतलब होता है किसी भी एक इंसान को, जैसे एक्स वाई जेड है या फिर एक नेशन है या कोई भी है जिसको हम इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हैं, उसको एलियनेट कर देना, मतलब कि उसको खंडित कर देना, उसको बाहर निकाल देना, उसको अकेला छोड़ देना, जस्ट टू मेक हिम फील लाइक ही इज आउटसाइडर. वो एक आउटसाइडर है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग. ओके डिसएग्री करना मतलब कि दे आर नॉट एग्रींग ऑन अ पॉइंट. लेट अस सी द यूज इन सेंटेंस. यू मस्ट रिकनसाइल योर सेल्फ टू योर प्रेजेंट जॉब. अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब एंड ही इज नॉट हैप्पी एंड ही इज जस्ट बींग नॉट गुड एट इट, तो उसको किसी ने एक चीज बोली दैट यू मस्ट रिकनसाइल योर सेल्फ टू योर प्रेजेंट जॉब. अपनी जॉब के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाओ, नॉट विद द पीपल, विद योर जॉब इट सेल्फ. बी गुड एट इट. ओके सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेली. स्क्वेली मीन्स अनबायस्ड. अगर मैं इफ आई एम नॉट टेकिंग आइदर ऑफ द साइड एंड आई एम गिविंग जस्ट द डिसीजन, दैट्स कॉल्ड स्क्वेली. ओके मैं किसी भी साइड का पक्ष ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ डिसीजन दे दूं, दैट इज कॉल्ड स्क्वेली. लेट अस सी द मीनिंग फर्स्ट. डायरेक्टली विदाउट डेविएटिंग टू वन साइड इन अ डायरेक्ट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर. अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर की बात मैं करूं तो फिर इट विल इम्प्लाई कि अगर कोई भी जस्टिस सिस्टम है, वी वॉन्ट आवर जस्टिस सिस्टम टू बी स्क्वेयरली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस गिवन. ओके सिर्फ और सिर्फ अपने एविडेंस के बेसिस पे हमें चाहिए कि वो हमें फैसला दे. लेकिन अगर अनबायस्ड अनकॉम्प्रोमाइजिंग तभी हो सकता है अगर वो किसी के पक्ष में फैसला दे रहा है, हमारा जो भी हेड है, ठीक है, जज ही होता है हमारे लिए, तो जज है एंड ही इज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट डिसीजन, देन ओनली वी कैन से अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर था उसका. ओके लेट अस सी सिनोनिम्स. प्रिसाइसली एग्जैक्टली. लाइक प्रिसाइस होना, एग्जैक्ट होना इज कॉल्ड स्क्वेयरली. लाइक सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे, नॉट विद माई बेनिफिट मैंने ये डिसीजन दिया. एंटोनिम्स में आ जाएगा डिसीटफुल. इनडायरेक्टली डिसीटफुल में आ जाएगा धोखाधड़ी, फॉल्स एविडेंस. फॉल फॉल्स बोल सकते हैं. डिसीटफुल का मतलब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ झूठा एविडेंस देना, धोखाधड़ी. एंड इनडायरेक्टली मीन्स दूसरे, लाइक नॉट बीइंग डायरेक्ट, द डिसीजन वॉज मेड इनडायरेक्टली एंड दीज ऑल. ओके लेट अस सी द यूज. दिस केस फॉल्स स्क्वेयरली विद इन द कमिटीज ज्यूरिसडिक्शन. मीन्स सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ये जो कमिटी है उसके ज्यूरिसडिक्शन में पड़ती है. ओके सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कोहेसिव. कोहेसिव मीन्स यूजिंग योर पावर, यूजिंग योर फोर्स और थ्रेट्स टू फोर्स समवन दैट ही डू योर वर्क, दैट ही कंसीव योर वर्क एंड ही डू इट एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट हिज विल और हिज विश.
ओके, कोहेसिव का मतलब होता है अपनी चलाना बाय यूज ऑफ थ्रेट और फोर्स. इफ आई एम अ हेड ऑफ अ कंपनी एंड मेरे अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, मैं उन एम्प्लॉयज का मॉरल नहीं उठा रही हूँ, मैं उनको नहीं ऐसा फील करवा रही हूँ दैट दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फर्म, दैट दे बिलोंग हेयर. आई एम जस्ट बींग लाइक कि ओके, अगर तुमने ये काम इतनी देर में नहीं करा, आई विल फायर यू, मैं तुम्हारी पे काट लूंगी, आगे तुम्हें अच्छे, तुम्हारा जो लेटर होगा उसमें अच्छे रिव्यूज नहीं दूंगी, यू विल बी डूम्ड, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ बेटर जॉब एनीवेयर. लाइक आई एम यूजिंग माई पावर फॉर द वर्स. ओके, सो कोहेसिव का मतलब होता है यूज ऑफ थ्रेट, यूज ऑफ पावर, यूज ऑफ फोर्स. ओके, तो इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन का मतलब होता है किसी के पास भी अथॉरिटी है, देन ओनली ही कैन इम्प्लाई, ही कैन पुट ऑन मी इन अ चेक कि हाँ ठीक है तुम नीचे आ जाओ भाई, आई कैन डू दैट टू यू. लाइक ही इज एट द पावर ऑफ थ्रेटनिंग मी इफ ही हैज एन अपर हैंड, इफ ही हैज दी हाई हैंडेड, इफ ही हैज द हाई हैंड, सॉरी. ओके, सो इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा कंडीशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी मीन्स अ पर्सन हु इज सो पोलाइट दैट ही डू नॉट ऑफेंड एनीबडी. कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है स्पेशली इंडिया का, दैट एम्पावर्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. दे आर नॉट लाइक डिस्क्रिशन नहीं करा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा हुआ है बिटवीन मी एंड यू, वी ऑल आर वन. हम लोगों के पास, सबके पास एक ही जैसे राइट्स हैं. ओके, सो लेट अस सी द यूज इन सेंटेंस. द प्रेजिडेंट रील्ड ऑन द कोहेसिव पावर ऑफ द मिलिट्री. लाइक डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ हैज रील्ड, हैज पुट हिज ऑल होप्स एंड डिजायर्स एंड अपनी आस लगा दी है ऑन द मिलिट्री, उसकी पावर पे कि मिलिट्री कैन पुट द पीपल राइट देयर, जो कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको वो ही रोक सकता है, अब मिलिट्री ही रोक सकती है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक रील्ड का मतलब होता है टू पुट सम, लाइक टू पुट योर हार्ट इन समवन. लाइक अगर आई एम पुटिंग माई एवरी थिंग ऑन माई स्टूडेंट्स, दैट लाइक आई एम रीलिंग ऑन यू, आई हैव रील्ड एवरी थिंग, माई लाइक हार्ट एंड माई माइंड ऑन यू कि आप लोग अच्छा करेंगे. लाइक आई एम पुटिंग माई होप्स. ओके, ओके, सो आर लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज अबेयंस. अबेयंस का मतलब होता है अगर हम किसी चीज को रोक देते हैं, किसी चीज को सस्पेंड कर देते हैं, किसी चीज को बंद कर देते हैं, बट सारा का सारा हमारा जो एम्फेसिस है दैट इज ऑन टेम्प्ररी. इफ वी आर टेम्प्ररीली क्लोजिंग एवरी थिंग, या फिर हमारे जिम जैसे अभी टेम्प्ररीली क्लोज हैं, हमारी अर्थ अभी टेम्प्ररीली क्लोज है वो तो, लेकिन ऑल द एम्फेसिस शुड बी ऑन द वर्ड टेम्पररी. इट इज यूजली यूज विद द वर्ड इन और इन टू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन टू अबेयंस, लाइक आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग एनीथिंग, तो आई एम इन टू अबेयंस. ओके, आई एम सस्पेंडेड फॉर अ वाइल. आर जिम्स आर इन टू अबेयंस, लाइक जिम्स आर सस्पेंडेड, दे आर क्लोज, दे आर नॉट बीन अलाउड टू ओपन राइट नाउ. इसके पहले हम मीनिंग रीड कर लेते हैं. अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम में से कोई भी अपनी गाड़ियाँ, अपने एक्टिवा वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर इन अबेयंस राइट नाउ, दे आर टेम्पररीली क्लोज. ऑब्वियसली व्हेन द लॉकडाउन, व्हेन द कोरोना विल गो अवे, वी ऑल विल रन आउट, हम लोग सब बाहर जाएंगे, वी विल यूज ऑल आर इक्विपमेंट्स. सो इसके सिनोनिम्स एंड टोनिम्स देख लेते हैं. डिले, सिनोनिम्स आ जाएगा डिले, इंटरप्शन, ऑब्वियसली इंटरप्शन हुई है तभी सस्पेंशन हुई थी. ओके, एंटोनिम्स आ जाएगा रिवाइवल, कंटिन्यूएशन. रिवाइवल का मतलब होता है किसी में नई जान दे देना, लाइक अ पर्सन नहीं बोल सकते, अ कंपनी, या फिर अभी हमारे जैसे जिम है, दे ऑल आर क्लोज, जैसे खुलेंगे दे विल रिवाइव. यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. दिस प्रैक्टिस हैज फॉलन इन टू अबेयंस नाउ. ओके, कोई भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का ज्यादातर हम वर्ड तब यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ फर्म्स. लाइक दे, किसी भी एक लॉ फर्म की बात कर रहे हैं, इट हैज स्टॉप्ड राइट नाउ, अभी वो रुक चुकी है थोड़ी टाइम के लिए, अभी वो अबेंस हो चुकी है, इनटू अबेंस. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. आप लोगों को वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे. अगर किसी भी चीज में, किसी भी वर्ड में आपको कोई भी डाउट है, सो प्लीज नीचे कमेंट करिए, यू कैन आस्क मी. एंड अगर आपको कोई और भी वर्ड है जो मैंने नहीं समझाया अभी तक, एंड यू वॉन्ट टू नो
कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, यू कैन आस्क मी ओवर देयर ऑल्सो. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल. इट इज़ जस्ट अ पैट ऑन अ बैक. हम लोगों को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है टू वर्क इवन मोर हार्डर. सो थैंक यू फॉर टुडे.